और जी हिंदुस्तान के लाइव डिबेट शो में हाथापाई करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना एजाज अरशद कासमी को कोर्ट से आज भी राहत नहीं मिली। जी हिंदुस्तान के शो, बताना तो पड़ेगा कि लाइव बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील फराह फैज को थप्पड़ मारने वाले मुफ्ती अरशद कासमी की जमानत याचिका पर सुनवाई 30 जुलाई तक टल गई है। पुलिस ने मौलाना के खिलाफ धारा 354 के तहत केस दर्ज किया है। इस बीच दूसरे जज के पास केस को ट्रांसफर करने की याचिका को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। एडीजे एफटीसी फर्स्ट ने उस पर हेयरिंग के लिए 30 तारीख लगाई है। फिलहाल राहत नहीं है जमानत? हाँ, कोई राहत नहीं है। इसमें 164 सीआरपीसी का बयान किया जाना चूंकि मैंडेटरी प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है। अब खबर तो समझिए कि आखिर थप्पड़ कांड के आरोपी को जमानत क्यों नहीं मिल रही है। तो कासमी पर 323, 504, 506, 295 ए के तहत केस है। धारा 295 ए धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना गैर जमानती धारा है।